पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के महामुकाबले के दौरान दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी करी, शुरुआत जिस अंदाज से करी थी, लगा था कि 210 रन चेस करा देंगे लेकिन ये फेल हो गए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी वो काबिले तारीफ था। दरअसल दोस्तों इनका बदला है पुराना, एक बहुत पुरानी राइवलरी जुड़ी है पंजाब किंग्स के साथ। आप सभी को याद होगा कि पंजाब किंग्स के लिए कई सीजन पहले खेल चुके हैं ग्लेन मैक्सवेल, करीब 4 सीजन ग्लेन मैक्सवेल ने पंजाब किंग्स को दिए हैं बहुत बेहतरीन, या यूं कहें आईपीएल में अगर पहचान बनाई है ग्लेन मैक्सवेल ने तो पंजाब किंग्स की टीम के साथ खेलते हुए। पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने बहुत अच्छी पहचान बनाई थी, लेकिन इस बार बैंगलोर के लिए खेलते हुए उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ भी रन बनाए और विकेट भी इन्होंने ही चटकाए थे। दरअसल दोस्तों शुरुआत करी बैस्टो और शिखर धवन ने, बैस्टो के रूप में तो यहां पर शहबाज अहमद ने विकेट चटकाया था, 29 गेंदों में 66 रन बनाकर बैस्टो आउट हुए थे। लेकिन जो पहला ब्रेक थ्रू था वो ग्लेन मैक्सवेल ने ही दिलाया था। ग्लेन मैक्सवेल ने दोस्तों अपने करीब 2 ओवर के स्पेल में 17 रन देते हुए 1 विकेट चटकाई थी, 4 विकेट हर्षल पटेल ने भी चटकाई, वानिंदु हसनंगा ने भी 2 विकेट चटकाई, 1 विकेट शहबाज अहमद ने भी चटकाई। तो दूसरी तरफ लियाम लिविंगस्टन ने भी 42 गेंदों पर 70 रन मारे। लेकिन जब मैक्सवेल ने अपनी गेंद से कमाल दिखाया और 209 रन बोर्ड पर थे, चेस करना था 210 रन, तो विराट कोहली ने 14 गेंदों पर 20 रन बनाए, शुरुआत में 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर फैफ डू प्लेसिस आउट हुए। रजत पाटीदार टिके हुए थे मैदान पर, जिन्होंने 21 गेंदों में 26 रन, 2 छक्के 1 चौके की मदद से मारा था। और शुरुआत में अगर 10 ओवर की बात करें तो करीब 10 ओवर तक करीब 90 के प्लस स्कोर पार कर चुका था बैंगलोर का स्कोर, यानी कि 10 रन प्रति ओवर आ रहे थे, जीत सकती थी बैंगलोर की टीम। मिडिल ऑर्डर गड़बड़ कर गया, मिडिल ऑर्डर अगर जल्दी नहीं बिखरता तो ये मैच जीत जाती बैंगलोर की टीम। ग्लेन मैक्सवेल ने इस सीजन कोई बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन छोटी और धुआंधार पारी खेली, 22 गेंदों में 35 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्के की मदद से 159 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट था। हरप्रीत बरार ने उनका विकेट चटकाया था और जब मैक्सवेल का विकेट गिरा तो 12वें ओवर की दूसरी गेंद तक 104 रन स्कोर था दोस्तों, यहां पर 5 विकेट के नुकसान पर बैंगलोर की टीम का। इस सीज़न बात करें बैंगलोर की टीम ने ग्लेन मैक्सवेल को 11 करोड़ की बड़ी कीमत पर रिटेन किया था, फिर से जो पिछला सीज़न था वहां पर इनको खरीदा था 14 करोड़ 25 लाख में, और उससे पहले 10 करोड़ 75 लाख में 2020 में ही बैंगलोर के साथ सीज़न बिताया था। 3 सीज़न खेल चुके हैं लेकिन अभी तक बैंगलोर के लिए कोई ऐसी धुआंधार पारी, मतलब ऐसी नहीं खेली जो लगे कि हाँ ये मैक्सवेल है और ये जिताता है। यही कमाल इन्होंने पंजाब किंग्स के लिए किया, लेकिन पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में नहीं कर पाए। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की इस मुकाबले में हार हुई तो पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल मच चुकी है और अब बहुत दिक्कत में है दोस्तों बैंगलोर की टीम। आपको बता दें बैंगलोर का एक मैच बचा है, एक मैच अगर हारेगी तो यहाँ पर पूरी तरीके से इनके लिए मुकाबले में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 7 जीतें अभी तक, एक मैच और जीतना जरूरी है। ऊपर से इनका नेट रन रेट भी कम है, अगर दिल्ली और पंजाब अपने दोनों मैच जीत जाती है तो बैंगलोर पॉइंट्स टेबल से बाहर हो जाएगी। तो ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार था इस सीज़न, लेकिन अभी तक उस पर खरे नहीं उतरे। ग्लेन मैक्सवेल ने इस मुकाबले में भले ही 22 गेंदों पर एक 35 रन की तूफानी पारी, 3 चौके 1 छक्के की मदद से खेली, लेकिन मैच नहीं जीता तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, वो आपके रन किसी भी काम के नहीं है। 54 रन से इस मुकाबले में दोस्तों हार हुई। जॉनी बेस्टो इस मुकाबले के हीरो बने और ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी बल्लेबाजी से कमाल तो दिखाए, लेकिन टीम बैंगलोर फिर भी हार गई। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।